जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रदोष दास गुप्ता के बारे में बताऊंगा, जो कि मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता, इनका जो समय है 1912 से लेकर 1991 ईस्वी के बीच। प्रदोष दास गुप्ता का ये एक फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। प्रदोष दास गुप्ता ने ही कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कलकत्ता ग्रुप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम प्रदोष दास गुप्ता के बारे में पढ़ाएंगे। तो भारतीय कलाकारों का यह समूह है कलकत्ता ग्रुप, इसे ग्रुप 43 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका स्थापना जो है 1943 में हुआ था। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कब हुई? वर्ष 1943 में। कलकत्ता ग्रुप 43 की पहली प्रदर्शनी कब व कहां आयोजित की गई थी? तो 1944 में मुंबई में पहली प्रदर्शनी इसकी आयोजित की गई। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए। इन्होंने 1943 में इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। ग्रुप 43 की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता ने कहां की? तो इसकी जो स्थापना है 1943 में मुंबई में होती है इसकी स्थापना। कलकत्ता ग्रुप 43 में मुख्य कलाकार सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल 8 सदस्य थे। कलकत्ता ग्रुप 43 की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित की गई थी? तो 1945 में मुंबई में ही इसकी दूसरी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, पहली जो थी 1944 में थी। कलकत्ता समूह और प्रगतिशील कलाकारों के समूह पैग की सामूहिक प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 ईस्वी में होती है और ये मुंबई में। देश का पहला आधुनिक कलाकारों का समूह कौन था? तो कलकत्ता ग्रुप, जिसे हम ग्रुप 43 के नाम से भी जानते हैं। तो कलकत्ता ग्रुप में कुछ प्रमुख कलाकार हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कलाकार हैं। प्रदोष दास गुप्ता हैं, गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रतिन मिश्रा मित्रा, प्रार किशोर पाल, कमला दास गुप्ता, शुभो टैगोर, गोवर्धन सेन, कल्याण सेन, सुनील माधव सेन, गोवर्धन आश, ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रदोष दास गुप्ता के बारे में बताऊंगा। प्रदोष दास गुप्ता, इनका जो समय है 1912 से 1991। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब व कहां हुआ था? तो 1912 में इनका जन्म ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में है, पूर्वी बंगाल में हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये संगत रास के लिए जाने जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकारी के अलावा और क्या करते थे? तो ये चित्रकारी भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता किस वर्ष आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे? तो 1957 में। पश्चिम बंगाल सरकार ने कब प्रदोष दास को अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो वर्ष 1982 में। प्रदोष दास गुप्ता ने चित्रकला की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध संगत रास प्रदोष दास गुप्ता राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य फेलो कब बने थे? तो वर्ष 1982 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से आपने किसका प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो इन्होंने मूर्तिकला का प्रशिक्षण गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से प्राप्त किया था। प्रदोष दास गुप्ता ने वर्ष 1940 में अपना स्टूडियो कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में इन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया था 1940 में। ग्रुप 43 के संस्थापक कौन थे? तो ग्रुप 43 के संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता हैं। प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप 43 कलाकार समूह की स्थापना कहाँ की थी? ये कोलकाता में। प्रदोष दास गुप्ता ने कब से कब तक आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? तो ये 1957 से लेकर 1970 तक इन्होंने
क्यूरेटर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रदोष दास गुप्ता ने मद्रास आर्ट्स कॉलेज में मूर्तिकला का डिप्लोमा 1934 से 1937 किसके सानिध्य में रहकर पूरा किया था, तो देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि एक मूर्तिकार के रूप में ये भी जाने जाते हैं, इनसे इन्होंने, इनके सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त की। प्रदोष दास गुप्ता को रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन का फेलो कब चुना गया था, तो वर्ष 1955 में। प्रदोष दास गुप्ता की पत्नी का नाम क्या था, तो कमला दास गुप्ता इनकी पत्नी का नाम था। प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकारी के लिए प्रमुख रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया, तो इन्होंने कांस्य ढलाई का प्रयोग किया था। कांस्य में अधिकतर इनकी मूर्तियों को हम देखेंगे तो कांस्य में बनाई हुई मिलती हैं। कांस्य ढलाई मूर्तिकला तकनीक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, श्री पर्दू के नाम से भी जाना जाता है, लाक्षण लोप पद्धति भी जाना जाता है, मोम कास्टिंग पद्धति भी इसे कहा जाता है। प्रदोष दास गुप्ता के मूर्ति शिल्पों की पहली एकल प्रदर्शनी कब व कहां आयोजित की गई, 1945 में कोलकाता में। प्रदोष दास गुप्ता को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली, तो ये मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता ने कोलकाता में किसके सानिध्य में रहकर मूर्तिकारी सीखी, हिरण्यमय राय चौधरी। प्रदोष दास गुप्ता किस पश्चिमी मूर्तिकार की कला से प्रभावित थे, हेनरी मूर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेनरी मूर की कला से प्रभावित थे। प्रदोष दास गुप्ता ने प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प श्रृंखला एग सीरीज, अंडा श्रृंखला किस माध्यम में निर्मित की है, कांसा धातु या ब्रॉन्ज मेटल में। कांस्य धातु में इन्होंने एग सीरीज बनाया है, जो कि बहुत ही फेमस मूर्तिशिल्प है। ये मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता की पत्नी कमला दास गुप्ता किस कलाकार समूह की सदस्य थी, तो ग्रुप 43 जो कि कोलकाता से संबंधित है उसकी सदस्य थी। प्रसिद्ध संगतराज प्रदोष दास गुप्ता का निधन कब हो गया, वर्ष 1991 में इनका निधन हो जाता है। प्रमुख मूर्तिशिल्प श्रृंखला एग सीरीज या अंडा श्रृंखला इन्होंने ब्रॉन्ज मतलब कांस्य में बनाया है इन्होंने, ये बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन सी, वुमेन विथ बास्केट ये भी ब्रॉन्ज मतलब कांस्य में बनाया गया है, फॉलन वुमेन ये भी ब्रॉन्ज कांस्य में बना है, सन वॉरशिपर ये भी ब्रॉन्ज में बना है, हॉलवेस ब्रॉन्ज में बना है, थ्री ग्रेसेस ब्रॉन्ज में बना है। ब्रॉन्ज का मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कांस्य में बनाई गई। ब्राइड ब्रॉन्ज में बना है, एक ब्राइड ब्रॉन्ज में बना है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, एक ब्राइड बहुत ही फेमस है। एक फैमिली ब्रॉन्ज में बना है, एक डांस ब्रॉन्ज में ये भी बनाया गया है, रिमोर्स ऑफ एन एग ये मार्बल में बना है, इन बॉन्डेज ब्रॉन्ज में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, ट्विस्टेड फॉर्म ब्रॉन्ज में बना है, ब्रोकन आइडल ये भी ब्रॉन्ज में, मदर एंड चाइल्ड रिसाइकलिंग ब्रॉन्ज में बना है, क्वीन रिसाइकलिंग ये भी ब्रॉन्ज में 1990 में बनाया गया, हेड एंड टोर्सो ये भी ब्रॉन्ज में बना है, कॉन्विट्स ब्रॉन्ज में बना है, जय हिंद ये भी ब्रॉन्ज में बना है, कंडोलेंस ब्रॉन्ज में बना है, ट्यून्स ये भी ब्रॉन्ज में है, माँ की गोद में ये सीमेंट में बनाया गया है, फर्स्ट बॉर्न सीमेंट में है, पीकिंग लाइन्स सीमेंट में है, सोक ये भी प्लास्टर में बनाया गया। तो ये इनके कुछ मूर्तिशिल्प थे, अब उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से इनके बहुत ही फेमस मूर्तिशिल्प हैं। ये चित्र है, एक मूर्तिशिल्प है आप देख लीजिए, प्रदोष दास गुप्ता द्वारा बनाया गया है, एक डांस ये भी ब्रॉन्ज में है, एक डांस एक मूर्तिशिल्प है। एक और मूर्तिशिल्प यहाँ पे है, इसका नाम है टू पॉइंट, ये भी ब्रॉन्ज में है। एक और मूर्ति शिल्प यहाँ पे है, फर्स्ट बॉन्ड जो कि ब्रॉन्ज में बनाया गया है। एक और मूर्ति शिल्प यहाँ पे है, फिलोसफर को बनाया गया जो कि कांस्य में है, ये फिलोसफर। एक और मूर्ति शिल्प यहाँ पे है, ट्विस्टेड फॉर्म जो कि कांस्य में बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और यहाँ पे मूर्ति शिल्प है,
नेक्स्ट घोसला को बनाया गया है जो कि कांस्य में है। ये मदर एंड चाइल्ड, यहां पे कई तरीके से इन्होंने मदर एंड चाइल्ड को बनाया है जो कि कांस्य में बना है। एक और यहां पे स्कल्पचर है लवर्स जो कि ब्रॉन्ज कांस्य में बना है। एक और स्कल्पचर यहां है क्वीन रानी जो कि कांस्य में बनाई गई है। सन वर्शिपर्स ये कांस्य में बना हुआ है। एक और मूर्ति शिल्प यहां पे है ओमैन विथ बास्केट, बास्केट के साथ ये महिला है जो कि कांस्य में बनाया गया है। ब्राइड जो कि कांस्य में बनाया गया है, बहुत ही फेमस है ये। यहां पे क्राडेल, क्राडेल का झूला से संबंध है, तो मां की गोद में बच्चे जो मां प्यार करती है और उसको झूले की तरह थोड़ा सा झुलाती है, तो ये उससे संबंधित है जो कि कांस्य में बनाया गया है। एक और यहां पे है एक सीरीज, बहुत ही फेमस है ये। एक सीरीज जो है ये ब्रॉन्ज कांस्य में बनाया गया है। एक और मूर्ति शिल्प यहां पे है थ्री ग्रेसेस जो कि कांस्य में बनाया गया है, आप देख लीजिए थ्री ग्रेसेस। रिफ्यूजी कपल ये भी कांस्य में बनाया गया है, रिफ्यूजी कपल। एक और यहां पे मूर्ति शिल्प है अनटाइटल, शीर्षक विहीन जो कि कांस्य में बनाया गया है। तो ये प्रदोष दास गुप्ता के कुछ फेमस मूर्ति शिल्प थे जो कि हमने आपको बताया है। यहां पे और एक मूर्ति शिल्प है मदर एंड चाइल्ड का। एक और यहां पे है ब्रॉन्ज में बनाया गया है। एक और मूर्ति शिल्प यहां है सूर्यमुखी, कांस्य में बनाया गया है। तो कुछ इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हमने आपको बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।